यहां से कहानी शुरू होती है कि मैं अपना आपको सुनाने जा रहा हूं दुनिया की सबसे पहली कहानी। मामला गड़बड़ है, आपके हाल पे भी सुनाऊंगा आज मैं। दुनिया की सबसे पहली कहानी सुना रहा हूं। इस कहानी से पहले कोई कहानी नहीं थी। आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अपने मन में रख लीजिए कि यही कहानी सबसे पहली कहानी है। एक गांव में एक मियां और एक बीवी रहते थे। अजी बीवी के मन में एक राम कथा थी और एक राम भजन था। अब बीवी ना किसी को राम कथा सुनाए और ना राम भजन सुनाए, बड़ा मसला। अब राम कथा और राम भजन दोनों का दम घुटता था बीवी के सीने में। क्या करें, कैसे बाहर आए। एक दिन बीवी इत्तफाक से मुंह खोल के सो गई। अब जब वो मुंह खोल के सो गई तो राम कथा और राम भजन दोनों ने सोचा यही मौका अच्छा बेटा बाहर निकल लेगा। तो राम कथा और राम भजन दोनों बाहर निकले। एक कुर्ता बन के फूटी पे टंग गया और एक ड्योड़ी पे चप्पल बन के बैठ गया। अब थोड़ी देर में उसका मियाँ आया। आपको तो पता है मियाँ मर्द वैसी शक्की होते हैं। अब देखा उसने भाई कुर्ता चप्पल, बीवी को उठाया उसने भाई कौन आया था हमारे पीछे, क्या ये चप्पल वप्पल क्या रखी है। बीवी ने कहा भाई कौन आया था, हमें तो पता नहीं, हम तो सो रहे थे। अब साहब मियाँ बीवी में वो इतनी बहस चली कि आखिर में मियाँ देख हो गया। उसने कम्बल उठाया और कहा भैया मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ मंदिर से। वो कम्बल लेके मंदिर चला गया। अब इत्तफाक से उस गांव में जो जितने भी दिए जलते थे जब वो बुझ जाते थे तो उनकी लवे जो है वो मंदिर में जमा होकर गपशप लगाया करती थी। अब क्योंकि घर में लड़ाई चल रही थी तो यहाँ का दिया बुझ नहीं रहा था और यहाँ का दिया बुझ नहीं रहा तो यहाँ की लव मंदिर जा नहीं रही थी। अब जब वो मियाँ लड़के झगड़ के कंबल उठा के चला गया तो तब यहाँ की जो लव है वो बुझाई गई। अब वो लव वहां पहुंची, बाकी लवों ने पूछा सखी क्या बात है तो देर कहला जी तुम्हें तो पता ही है मियाँ बीवी का झगड़ा। वो उसके मन में राम भजन और राम कथा थी, वो किसी को सुनाती नहीं थी। मियाँ आया मुंह खोल के सो रही थी, वो कुर्ता और वो दोनों बाहर निकले राम भजन और राम की। एक कुर्ता बन के टंगे, एक चप्पल पहन के बैठ गई। मियाँ आया तुम्हें तो पता ही मियाँ कितने शक्की होते हैं, वो लगा उससे लड़ने। इतनी लड़ाई हुई मेरा तो दिमाग पक गया। बड़ी मुश्किल से जो है वो मियाँ वहां से गया कंबल उठा के, तो बीवी ने जो है दिया बुझाया, तब मुझे फुर्सत मिली मैं यहाँ आई। अब इत्तफाक से मियाँ उसी मंदिर में सो रहा था। उसने कहानी सुनी तो कह रही बाप रे ये तो मेरे घर की बात हो रही है भैया। वो कंबल उठा के सीधे भागा घर और बीजी के पास पहुंचा, कहने लगा बीवी बीवी जल्दी जल्दी बताओ राम कथा कौन सी थी तुम्हारे मन में और राम भजन कौन सा था हमें सुनाओ। अब बीवी ने मुंह खोल के कहा कौन सी राम कथा कौन सा राम भजन, वो तो दोनों उसके मुंह से बाहर निकल चुके थे। इसीलिए आपके मन में जो कथा है जो गीत है फौरन सुनाइए, वरना आप भूल जाएंगे और दुनिया उसे कभी ना याद कर पाएगी। ताली बजाइए आप। I'm not going to be able to do this.